मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, तो जब भी प्रोडक्शन की कोई काम होती है तो मुझे बुलाया जाता है क्योंकि मैं फ्रीलांसर हूँ। फेब्रवरी लास्ट वीक में मैं एक प्रोडक्शन कंपनी के लिए काम करने के लिए गई थी। वो 25 डेज का काम था। वो काम ख़त्म होने के एक दिन पहले ही से लॉकडाउन लग गई थी। ये 2-3 महीने से मेरे घर से कंटिन्यूसली फ़ोन जा रहे थे कि मेरा बेटा डिप्रेशन पे जा रहा है बिकॉज मैं नहीं आ पा रही हूँ, और वो मेरे से दूर रहता ज़रूर है पर 1-2 महीना मैक्सिमम, उससे ज़्यादा होने। और हम फेब्रवरी में गए तो अभी 7 महीने कम्प्लीट होने को है। मैंने फ्रेंड्स लोगों को जब पूछा, उन्होंने तुमको क्या हेल्प चाहिए बोलो, तो फिर मैंने उनको बोला कि क्या कर सकते, लास्ट ऑप्शन मेरे पास स्कूटी है, अभी यही एक मेरे पास है जो व्हीकल जो मैं लेके जा सकता। जैसे काम खत्म हो गए फिर लॉकडाउन बढ़ गई, मुझे लगा 21 डेज का लॉकडाउन है, तो फिर मैं एक अपने रिलेटिव मतलब वहाँ पे जान पहचान के घर पे थी, पर ये 21 दिन का लॉकडाउन एक्सटेंड होते गया एंड 2-2.5 months बाद वो लोग बोलने लग गए कि बहुत दिन हो गया, काफ़ी दिन हो गया, फिर कुछ तो पे करना चाहिए आपको, क्योंकि वो लोग भी रेंट पे थे और मेरे को वो लोग बेयर कर रहे थे, फूडिंग वगैरह सब कुछ बेयर कर रहे थे। तो उन्होंने बोला मुझे कि देखो अगर तुम दे पाती हो तो ठीक है, नहीं दे पाती हो तो फिर कहीं और व्यवस्था कर लो बोल के बोले। मैं गुस्से से निकल तो गई उस रात को, फिर 2 दिन मैं ऐसी बाहर में सी बीच में थी, एक रात में सी बीच में थी, एक रात में इधर उधर थोड़ा छुप छाप के, क्योंकि लॉकडाउन चल रही थी, पुलिस वगैरह थे, तो मैं उधर में कुछ कर नहीं सकती, तो छुप छाप के इधर उधर, सेकेंड नाइट थी। फिर मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया पुणे पे, उसने बोला ठीक है अभी तुम ऐसे रहोगी, बेटर है तुम मेरे यहाँ पे आ जाओ। मैं एक फ्रेंड के घर में 10 डेज थी, एक घर फ्रेंड के घर में 2 वीक्स थी, ऐसे करते करते मैं लास्ट तक फ्रेंड्स के घर में ही रुकी। तो फिर वहाँ से मेरे दोस्त लोग ने मुझे बोला कि तुम बताओ कि हम लोग किस तरह से तुमको मदद कर सकते हैं कि तुम अपने घर जाओगी, क्योंकि मैंने हर पॉसिबिलिटीज ट्राई कर ली थी उस बीच में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पूछा, झारखंड गवर्नमेंट को पूछा, ट्वीट किया, हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन किया, कोई रिस्पांस मुझे जब कुछ भी नहीं मिला। ट्रेन 3-3 बार कैंसिल हो गई मेरे बुकिंग करने के बाद, वो भी मुझे मिला नहीं। मेंटली आई वॉज प्रिपेयर्ड कि मेरे को आना है, स्कूटी से आना है, कैसे भी आना है। तो मैं जिसके साथ आई हूँ सबिहा, उसको मैंने पूछा कि तुम मेरे साथ जा सकती हो क्या, उसने बोला मेरे को तो चलाने नहीं आती, तुम कैसे मेरे को लेके जा रहे हो। मैंने बोला नहीं, हमको सब सिर्फ सपोर्ट चाहिए, तुम चलो मेरे साथ। तो उसने मेरे को एक बार में राजी हुआ और फिर मैं बस उसके साथ ये सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँची हूँ। रात को कोई पेट्रोल पंप पे, कोई ढाबे पे, मगर अगर भी मैं रुकी हूँ तो वहाँ के लोग ऐसे स्टेयर कर रहे थे कि जैसे लड़की है, सब एक दूसरे में कमेंट्स कर रहे थे। तो मैं जितना जल्दी सकी वहाँ से निकल ली बिकॉज आई डू हैव वन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक और लड़की है हमारे साथ, तो मैं जितना जल्दी वहाँ से निकली, यही सिर्फ चीज़ों की है। और ऐसे भी है कि बीच रास्ते में कंटिन्यूसली 300-200 किलोमीटर्स के बीच में कोई पेट्रोल पंप्स नहीं, तो नील टैंक तक भी आने तक का मुझे नील टैंक आया और कोई पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा, ऐसी भी सिचुएशन आ गई थी, और वो भी रात को 2:30-3 बजे। जब मैंने झारखंड सरकार को ट्वीट किया या फिर उनके हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल किया, हेल्पलाइन नंबर होती क्यों है, हम लोग के हेल्प के लिए किया गया था, जब हेल्पलाइन नंबर यूज़ पे नहीं है तो फिर रख के क्या फ़ायदा। वो लोग वैसे हेल्पलाइन नंबर रखे जिसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं अभी तक मैं उनको कम से कम 100 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर चुका, 100 times, कोई मदद नहीं था। ट्वीट भी किया, रिट्वीट किया, उनके पेज में दिखता ही नहीं था जब मैं ट्वीट करती थी, और मेरे पेज पर रह जाता था मैसेज क्योंकि मैंने दिया है उनको। पहली चीज़ मैंने जो इस जर्नी से सीखी है कि जब कोई साथ नहीं देता तब अकेले ही चलना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैंने इस जर्नी से सीखा है वो है कि फ्रेंड्स हमेशा रिलेटिव्स और फैमिली से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तीसरा चीज़ जो मैंने इससे सीखा है कि आप किसी से उम्मीद कुछ मत करो, आप अपनी मदद खुद कर सकते हो। चौथी चीज़ जो मैंने इस जर्नी से सीखी है वो है कि स्ट्रॉन्ग विल पावर आदमी को कुछ भी करा सकता है। पाँचवीं चीज़ मैंने जो सीखी है ये कि अगर लड़कियाँ या लेडीज चाहती हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं। और आखिरी चीज़ जो सीखी है वो है अगर दिक्कतें आती है फिर आपको आपकी पावर का रियलाइज़ होता है।